एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर केस में सचिन वाजे के ड्राइवर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। बता दिया है कि 20 तारीख से 25 तारीख तक स्कॉर्पियो जो कि यूज की गई थी मुकेश अंबानी एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर केस में पुलिस हेडक्वार्टर में ही पार्क थी। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सचिन वाजे के ड्राइवर ने भांडा फोड़ दिया है, खुलासा कर दिया है। सचिन वाजे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी देखना और समझना होगा कि पुलिस हेडक्वार्टर में 20 तारीख से 25 तारीख तक वो स्कॉर्पियो थी तो नज़रअंदाज क्यों किया गया अथॉरिटीज़ द्वारा, कंसर्न डिपार्टमेंट्स द्वारा, ये देखने और समझने वाली बात है। लेकिन खबर आ रही है, बड़ी न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि स्कॉर्पियो से रिलेटेड है। आप लोगों को पता है किस तरह से मुकेश अंबानी एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर केस में रिपब्लिक कई बार कई खुलासे कर चुका है। फाइव स्टार होटल, लेडी, जिलेटिन स्टिक्स, नोट, काउंटिंग मशीन्स, और अब ये एक बड़ी खबर और आ रही है जिसमें ये पता चल रहा है कि ड्राइवर ने खुलासा कर दिया है कि एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर केस में यूज़ की गई स्कॉर्पियो 20 तारीख से 25 तारीख तक पुलिस हेडक्वार्टर में ही थी। आप लोगों को ध्यान होगा, मनसुख हिरेन ने 17 तारीख को, इनफैक्ट 16 तारीख को ये कहा था कि गाड़ी मिसिंग है, और 17 तारीख को ये कहा था कि उनकी स्कॉर्पियो मिसिंग है, और जिसके चलते उन्होंने एक रिपोर्ट लिखाई थी। लेकिन खबर ये आई कि मनसुख सचिन वाजे के साथ ही थे और उस तरह का कोई भी मामला नहीं दिखा जिसमें कि स्कॉर्पियो को किसी चोरी के तहत ले जाया गया हो, क्योंकि बड़ा ही ईजिली ओपन कर लिया गया था, लग रहा था कि किसी चाबी से खोला गया। लेकिन NIA तफ्तीश कर रही है, बड़े मामले निकल कर आ रहे हैं, बड़े खबरें निकल कर आ रही है। लेकिन ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि सचिन वाजे के ड्राइवर ने खुलासा कर दिया है कि स्कॉर्पियो 20 से 25 तक पुलिस हेडक्वार्टर में ही मौजूद थी। तो ये एक सवाल या निशान अथॉरिटीज़ के लिए, पुलिस हेडक्वार्टर्स के लोगों के लिए, पुलिस के लिए, और वहीं सचिन वाजे और उनके मास्टरमाइंड्स के लिए। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर केस का एक्चुअल मोटिव क्या था। लेकिन मनसुख हिरेन की मृत्यु, ये भी एक सवाल या निशान बन गया है। तो फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज़, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।